2014 में, और औरंगाबाद सिटी में एमआईएम की अपनी ताकत वहां पर है और इसीलिए वहां पर इस तरीके की रैली ली गई। देखिए, हमारी ताकत है, ये औरंगाबाद की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और उसी ताकत की वजह से हम लोग औरंगाबाद की अमन को खराब होने नहीं देना चाह रहे थे। तो रहा सवाल हिजाब का, संजय राउत को अगर वो थोड़े पढ़े लिखे तो आर्टिकल 26 पढ़ ले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ ले। अरे भाई, अगर मेरे को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है क्या महाराष्ट्र में? मुफ्ती इस्माइल जो प्रोटेस्ट किए बिल्कुल सही किए, हिजाब मुसलमान कर्नाटक में हुए मुद्दे पर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करना, यानी महाराष्ट्र के मुसलमानों को भड़काना, ये कहने का मतलब नहीं है। कोई भड़काना नहीं है क्या महाराष्ट्र में? अगर कर्नाटक में कोई गलत काम हो रहा है तो क्या महाराष्ट्र में उसके लिए आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या नहीं उठनी चाहिए आवाज? अगर संविधान का वायलेशन हो रहा है तो क्या देश खामोश बैठना चाहिए कि नहीं वहां हो रहा है, यहां क्यों नहीं थे? मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, और मुझसे पूछ कर किया। मैं उन्हें कहा कि बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, गवर्न नहीं होनी चाहिए। और रहा सवाल के कांग्रेस को फायदा नुकसान, फायदा ये संजय राउत कब से सोचना शुरू कर दिए कांग्रेस का फायदा नुकसान? क्या वो कांग्रेस के क्या मैनेजर बन चुके हैं? हैं, कौन सा देख रहे हो? अरे भाई, हमने तो क्या सरकार चला रहे, सुनिए, औरंगाबाद सरकार चला रहे नहीं सरकार। देखिए, जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, यही संजय राउत कोई यही क्या कह रहे थे वो इसी के बारे में, एमआईएम के बारे में? और ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब क्या कह रहे थे कि ओईसी को वोट मत दो, शिवसेना को और भाजपा को रोकना है? जब चुनाव हो गए तो आपने तीनों मिलकर शादी कर ली, निकाह कर लिया, और हमने औरंगाबाद की सीट किसको हराया? हमने शिवसेना को हराया, औरंगाबाद की जनता ने शिवसेना को हराया वहां से। उसको उस बात का बड़ा पेट में दर्द होता है, तो इसीलिए इनको कह रहे भाई मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ हिजाब पहनती है तो उनका कॉन्शियस डिसीजन है, संविधान इजाजत देता है उनको, और मेरे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। मगर तो आप ये बोलेंगे कि मसला मत उठाओ। अरे भाई, तुम्हारे लीडर के घर के सामने अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा था, कुछ पढ़ना चाह रहा था, मैं उसको अग्री नहीं करता हूं जो नवनीत राणा ने किया, तो घर के सामने आएंगे तो सेडिशन लगाएंगे, और औरंगाबाद में आकर पूरे महाराष्ट्र को अल्टीमेटम कोई देता है तो तुम फूला बरसाओगे उसके ऊपर, इसलिए क्योंकि मुसलमान को गाली भाई। असद भाई, आपके सांसद औरंगाबाद के उन्होंने कहा है, इम्तियाज जलील, उनका यह कहना है कि हम भी कह सकते हैं बहुत सारी चीजें, खास करके कल के भाषण के बाद बोला कि जिस भाषा में राज ठाकरे बात कर रहे हैं उसी अंदाज में हम लोग भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन कानून सुव्यवस्था का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हम उसका पालन करेंगे। उसके साथ आगे वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक निर्णय लेना चाहिए। वो लाउडस्पीकर की बात शायद कर रहे हैं, क्योंकि इसके मामले में महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें आपके पार्टी के नुमाइंदे भी गए थे, और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि हम लाउडस्पीकर नहीं निकालेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन भी होना चाहिए। तो एक तरफ आपकी भूमिका रहेगी कि लाउडस्पीकर नहीं उतारेंगे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो ऑडियो लेवल्स कम करने को लेकर है या जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर है, उसका पालन किस तरीके से होगा? राज ठाकरे मुद्दा ही इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से उसको मुद्दा दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर लाउडस्पीकर उतारे तो ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। तो क्या इस पर एमआईएम की भूमिका क्या रहेगी, और आने वाले समय में इसको लेकर कानून सुव्यवस्था का सवाल महाराष्ट्र में खड़ा होगा क्या? अरे भाई, ये होते कौन है? तुम निकालो, लाउडस्पीकर निकालो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। एक बार हो जाने दो, अरे क्या हो जाने दो एक बार? तुम होते कौन हो? तुम इस तरह धमकी देते हो तुम महाराष्ट्र के पूरी स्टेट को? अरे आज शिवसेना की सरकार है, कल नहीं रहेगी, किसी और सरकार बने कोई थ्रेटन करेगा क्या देश को और देश के स्टेट को? जहां तक लाउडस्पीकर की बात है, तो अभी लाउडस्पीकर अब क्यों याद आया तुमको? क्या सरकार को नहीं मालूम कौन सा लाउडस्पीकर परमिशन चल रहा है, नहीं चल रहा है? सब बकवास कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, जो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी संघ परिवार ने जो ऐलान जंग कर चुकी है, जो नफरत का तूफान फैला चुकी है, जहर फैला चुकी है, उसी का हिस्सा है ये, उसी का हिस्सा, और कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो जो लाउडस्पीकर के बारे में या ऑडियो लेवल्स को लेकर हो या ध्वनि प्रदूषण को लेकर हो, उसके वजह से कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, इसकी जिम्मेदारी दोनों की है। दोनों तरफ से अगर पहल हो तो ये मामला नहीं रहेगा। महाराष्ट्र सरकार कह रही कि हमारा तो सैंडविच हो रहा है बीच में। मेरा मानना यह है कि मेरी मस्जिद से जब अजान होती है वो किसी
समुदाय के खिलाफ अजा नहीं होती, नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि मेरी अजा देना मेरा रिलीजन का हिस्सा है, मैं अजा देता हूं। तीसरी बात यह है कि क्या मैं किसी के घर के सामने या किसी के इबादतगाह के सामने लाउड स्पीकर लगा के अजा दे रहा हूं, या मैं कह रहा हूं लगाओ? और अब क्यों उठ रहा है मुद्दा? ये मुद्दा इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत में जो नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन चुका, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू चुकी हैं, मोदी कोयला नहीं पहुंचा सक रहे हैं स्टेट्स को और लोड शेडिंग हो रहा है, तो इसीलिए ये मसले को उठा दिया गया है। और कन्वीनियंटली पूरा कंपटीशन हो रहा है, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, और दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टियों के सबसे बड़ा हिंदू हिदरे सम्राट लीडर कौन है, सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चलेगा, ये कंपटीशन हो रहा है। और इसी कंपटीशन में आप देख रहे हैं कि जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात की जाती है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जाता है, मस्जिदों के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, तो सबके सब गूंगे बन जाते हैं। यही कॉम्पिटिशन हो रहा है आज। लेकिन मुद्दा यह भी उठता है कि जो आप सही कह रहे हैं कि अजान देना आपका धार्मिक अधिकार है, लेकिन उसके लिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल करना आपका अधिकार है कि नहीं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग लाउडस्पीकर लगाते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई कर लेती है, हम पर एक नियम लगा दिया जाता है कि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर आप नहीं चला सकते, कि कुछ दिनों तक 12 बजे के बाद नहीं चला सकते, कि कोई त्यौहार है तो हम समझ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कोट कर रहा हूं जो राज ठाकरे कह रहे हैं, लेकिन 365 दिन हर रोज 5 बार इस तरीके से लाउडस्पीकर से नमाज पढ़ना, अजान करना, ये बात कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है, और जो हमें मंजूर नहीं है, अगर उनको मंजूर है तो हमें भी उसकी इजाजत देनी चाहिए, इस तरीके की बात वो रख रहे हैं। अरे भैया, आपको अगर पुकारना है तो पुकार लो ना, आपको कौन रोक रहा है? आप लगाओ अपना लाउडस्पीकर लगा के, जो पुकारना है तो तुम पुकार कर गए ना तुम। कल तो तुम पूरा औरंगाबाद के, पूरे महाराष्ट्र के एटमोसफेयर को पोल्यूट करने की कोशिश की तुमने, कम्युनल पोल्यूशन तुमने पैदा कर दिया, उसके ऊपर क्या करेंगे? और मैं तो आपको एक हिंदू अखबार की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं कि महाराष्ट्र के किसी एक गांव में वहां के मंदिर और मस्जिद के लोगों ने कहा कि हम नहीं हटाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ना मस्जिद की अजान से है, और मुसलमान ने कहा कि मंदिर से जो आवाज आती है हमको कोई उससे आपत्ति नहीं है। ये मुल्क का भाईचारगी है, ये एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री है। बीजेपी और मुसलमानों से और इस प्लोरिज्म से नफरत करने वाले चाहते हैं कि इस देश की कल्चरलिज्म को, प्लोरिज्म को हमेशा के लिए निस्तो नाबूद करके रख दिया जाए। वो भारत के लिए बड़ा ही काला दिन होगा जिस दिन अगर ऐसा होगा तो। असद भाई, लेकिन मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जब आप औरंगाबाद गए थे इफ्तार के लिए, आपने उसमें यह कहा कि अगर मुस्लिम युवा इसके वजह से रेडिकलाइज होते हैं तो उसमें देश का नुकसान होगा। क्या ये दूसरे तरीके से धमकी, एक तरफ राज ठाकरे धमकी देते हैं कि नहीं हटेंगे तो हम देख लेंगे और एक बार हो जाने दीजिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो रेडिकलाइज हो जाएंगे और उसके लिए देश का नुकसान हो जाएगा, क्या ये धमकी वॉर होगा महाराष्ट्र में आप इसके बाद, या कहीं ना कहीं सुलह सफाई के जिस तरीके से आपने गांव का एग्जाम्पल दिया, नांदेड़ में वो गांव है जिसका रिपोर्ट भी हमने किया हुआ है, क्या उस तरीके से एक साथ बैठकर एक साथ बात करके इस मामले को सुलझाया जाएगा? मैं आपको, आपने जो बात कही बिल्कुल गलत कही आपने, आपको करेक्ट करना चाहिए जी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब श्याम सरन साहब के उस आर्टिकल का हवाला दिया जो हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी और एनएसए लेवल पर रह चुके हैं, जिनके पास देश के बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी खिदमत की। उस श्याम सरन साहब ने अपने आर्टिकल में कहा कि अगर भारत के 14-15 करोड़ मुसलमानों में मुट्ठी भर लोग अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। या असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा, ये उस शख्स ने कहा जिसने भारत की अपनी जिंदगी भर खिदमत की, उसको भारत की एक एक चीज मालूम, उसको भारत के अतराफ में जो पॉलिटिक्स हो रही है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से मुझसे और आपसे काबिल आदमी है। जब वो शख्स लिखता है तो जो लोग आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं उनको जनाब श्याम सरन साहब के आर्टिकल को पढ़कर होश के नाखून लेने चाहिए। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा था, ये खामखा आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं जो गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जनाब श्याम सरन साहब का हवाला दिया था उस आर्टिकल का, जो आज भी अवेलेबल है नेट के ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि ये आपने कोट किया उनको और ये कहते हुए कोट किया कि अगर ऐसा होता है तो देश के लिए मुश्किल हो सकती है, ये बात कहना तो ठीक रहेगा? श्याम सरन साहब का आर्टिकल क्या मैंने कोट अनकोट उसको पढ़कर सुनाया?
मैंने अपने जी जहन ठीक से है, कोई बात नहीं कही, मेरा ओपिनियन नहीं था, मैंने जनाब श्याम सरन साहब के उस आर्टिकल का हवाला दिया ताकि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बो रहे हैं और अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं गरीबों की लाशों के ऊपर, उनकी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाकर, उनको मैं बता रहा हूं कि पढ़ो श्याम सरन साहब को, जिसने देश की बड़ी बड़ी खिदमत की और आज भी देशभक्त है, उनसे सीखो, समझो उस चीज को, तुम लोग क्या करने जा रहे हो। आज की तारीख में महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। क्या आपकी पार्टी अब सरकार से यह उम्मीद लगाती है कि क्या इस पर कार्रवाई होगी? जो भाषण हुआ है उस पर आप कार्रवाई चाहते हैं कि जिस तरीके से औरंगाबाद में भाषण हुआ है? मुझे तो उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि ये लोग इस कंपटीशन में लगे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर सबसे बड़ा कौन है। इसकी मिसाल आपको एक देता हूं, भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े होकर कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी खामोश, बेशर्मी से खामोश बैठी हुई थी। ये उनका सेकुलरिज्म है और आप सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, कल फडणवीस साहब एक्स चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जब मस्जिद तोड़ी, बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, तो मैं वहां खड़ा हुआ था, शिव सैनिक नजर नहीं आए मेरे को। आप बताइए, यही तो हम कह रहे हैं ना, ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला कर दो, मुसलमानों को खतरा बनाकर पेश करो, हिजाब खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, अजा खतरा है, मुसलमानों का वजूद इस देश में खतरा है। तो यही तो हो रहा है। अगर संविधानिक जिम्मेदारी शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी निभाती, तो वो जो कंडीशन पर आपने कल सभा का परमिशन दिया, अब तक तो केस बुक हो जाना चाहिए था। क्या बैठ कर देखेंगे तुम? क्या तुम बहरे हो, सुन नहीं रहे हो कि धमकी दी जा रही है पूरे स्टेट की पीस को, धमकी दी जा रही है? क्या बैठ के, आपको तो केस बुक करना चाहिए था, आपको तो केस बुक करना चाहिए था 153-295 में। अरेस्ट तुम नहीं करोगे मुझे मालूम, क्योंकि तुम्हारा भाई है। तो अरेस्ट तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि गाली क्या? देना, किसको गाली दे रहे हो? ओएसी को और मस्जिद को गाली दी जा रही है। मगर केस तो बुक करो, इसका मतलब ये दिखावे के लिए कुछ ड्रामा एक्टिंग कर दो कम से कम। आने वाले समय में असद भाई को हम महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि अभी गुजरात के चुनाव भी होने वाले हैं। तो गुजरात में आपका ज्यादा ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में ज्यादा ध्यान होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर तो कंपटीशन शुरू हुई है, उसका काउंटर भी तो कहीं ना कहीं देना होगा। तो आपका समय महाराष्ट्र में ज्यादा बीतेगा कि गुजरात की तरफ आपका रुख रहेगा, क्योंकि दिसंबर में वहां पर चुनाव होंगे? मैं यकीनन गुजरात जा रहा हूं, मई में भी जाऊंगा, जून में जाऊंगा और महाराष्ट्र भी आऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं जो फुल टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट काम करता और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। मेरा पूरी जिम्मेदारी मेरी पार्टी की है, मैं बराबर आऊंगा। कल हमारी मीटिंग हुई है औरंगाबाद में, नांदेड़ में, मुख्तलिफ जगह से हमारे लोग आए, प्रोग्राम बनेगा, हम आएंगे महाराष्ट्र को और हम सभाएं करेंगे। बिल्कुल, मगर महाराष्ट्र का पीस, देश का पीस इंपॉर्टेंट है। हम राजनीति जरूर करेंगे, मगर किसी को, किसी इबादतगाह को ठेस पहुंचाना, किसी को धमकी देना, पूरे स्टेट को धमकी देना और चुड़िया पहन के बैठी है सरकार वहां पर, शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। असद भाई, घर के सामने जाती तो सेडेशन लगाएंगे आप। बिल्कुल असद भाई, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कह रहे हैं, शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति बनाए रखना बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर अगर बनी रहेगी तभी किसी भी राज्य का राज्य आगे बढ़ सकता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। और महाराष्ट्र ने बहुत बड़े दंगे देखे हुए। आज की स्थिति में जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक औरंगाबाद पुलिस जो राज ठाकरे का कल भाषण हुआ है उसका मुआयना देख रही है कि क्या भाषण में किसी शर्त का उल्लंघन किया गया था, और उस पर ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल असद भाई, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर पर हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक। बमों की बरसात हुई, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग खार्किव छोड़कर भागे, जो रह गए उनके लिए अपना घर ही सुरक्षित नहीं था। करते मरते क्या करते, तो फिर उन्होंने आसरा लिया एक मेट्रो स्टेशन में। ये नतालिया है, और नतालिया एक नर्स है जो कि यहाँ पूरे प्लेटफॉर्म पे लोगों की सेवा करती हैं, चिकित्सा देती हैं। नतालिया जैसे हजारों लोग यहाँ पे हैं। आप देखिए, ये ट्रेन अलग अलग हिस्सों में बटी है, आपको अलग अलग घर यहाँ पे नजर आ जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, खार्किव आज तक।
देश में धीरे धीरे वैसे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां पॉपुलर हो रही है और सरकारें भी इसे बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े कई ऐसे झूठ प्रचलित हैं, जिसकी वजह से वो इन्हें खरीदने से डरते हैं। यहाँ हम आपको ऐसे ही 5 झूठ के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह बेबुनियाद है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर सबसे बड़ा झूठ ये प्रचलित है कि पानी के संपर्क में आते ही इसमें करंट लगने का डर रहता है, लेकिन ये बात हकीकत से कोसों दूर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अलग अलग जियोग्राफिकल और वाटर कंडीशंस में चलने लायक तरीके से डिजाइन किया जाता है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और नमी के स्तर के बीच काम करने में पूरी तरह सक्षम होती है। वहीं इनके बैटरी पैक को मोबाइल फोन की बैटरी की तरह वाटरप्रूफ बनाया जाता है। जैसे MG मोटर्स की ZS EV की बैटरी IP67 रेटिंग के साथ आती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर